हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाये का सालन, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाये का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं बकरे के 4 पाये। इनका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधा फूल और 1 टीस्पून नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। और ऐड करेंगे 2 ग्लास यानी कि 500 ml पानी। कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को रिलीज होने देंगे और लीड को खोलकर एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपके पाये गलते नहीं हैं तो कुकर को लीड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए और पका लें। एक दूसरे बर्तन में 1/4 कप तेल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक चौथाई कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे पाये और इसी के साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हम इसमें वही पानी ऐड करेंगे जिस पानी में हमने पाये पकाए हैं। पानी और पाये ऐड करने के बाद हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। एक बार इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसका पानी जो है वो सूखने लगा है, लेकिन हमें इसे ढक कर तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए और जो तेल है वो सरफेस पर आने लगे। और बीच बीच में इसी तरह इसे 2 से 3 बार चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए, इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ इसका जो पानी है वो अच्छी तरह सूख चुका है और जो तेल है वो सरफेस पर आने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रेवी के लिए तकरीबन 300 ml पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ग्रेवी का पानी ऐड करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ ऐसा रखना है। अब इसे गार्निश कर लेंगे और गार्निशिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की स्लाइसेस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ हमारा जो पाये का सालन है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो खाने के लिए तैयार है लजीज और जायकेदार पाये का सालन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को प्रेस किए बिना ना जाएं।